आतिशी जो हैं नए सीएम के तौर पर सामने आई हैं। शाम 4:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और उसके बाद आज ही नई सरकार बनने का दावा जो है पेश किया जाएगा और अगले चुनाव तक आतिशी सीएम पद के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगी। दिल्ली के लोगों के लिए यह फैसला लिया गोपाल राय की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जैसा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, हम जनता की अदालत में जाएंगे। और उन्होंने चुनाव को लेकर भी कहा, क्योंकि अब चुनाव फरवरी में होने हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि चुनाव नवंबर में हो। सो ये गोपाल राय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए यह फैसला लेना पड़ा। आतिशी जो हैं नए सीएम पद के तौर पर सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि हमने ये मजबूरी में फैसला लिया है क्योंकि विपक्ष मांग उठा रहा था कि इस्तीफा दिया जाए और वो चाहते थे कि सरकार गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे और नया सीएम जो है वो लेकर आएंगे। और यही हुआ, आज 4:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और नए सीएम के तौर पर आतिशी जो हैं सामने आएंगी। और यही गोपाल राय ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जैसा कोई काम दूसरा सीएम नहीं कर सकता, ये गोपाल राय कहते हुए नजर आए। तो दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए ये फैसला लिया गया है, गोपाल राय की तरफ से कहा गया और आतिशी अब नए सीएम के तौर पर सामने आई हैं। आतिशी अब बागडोर संभालेंगी सुषमा स्वराज के बाद और शीला दीक्षित के बाद लेडी सीएम मिली है अब दिल्ली को और आतिशी जो हैं अब नई सीएम के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगी। आतिशी सर्वसम्मति से विधायक दल की नेता जो हैं वो चुनी गई। इसी बार हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रोक्स चौधरी जो हैं बने हुए हैं, सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं प्रोक्स, क्योंकि गोपाल राय ये कहते हुए नजर आए कि सर्वसम्मति से चुन लिया गया है, दिल्ली की सीएम अब आतिशी होंगी और विपक्ष को भी घेरते हुए नजर आए, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग उठा रहा था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, सरकार गिर जाए, लेकिन गोपाल राय कहते हुए नजर आए कि हम सरकार नहीं गिरने देना चाहते थे और हमने अपना नया सीएम जो है चुन लिया है। जी बिल्कुल परमीत, देखिए जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे उसी पर मुहर लगी है, आतिशी के नाम पर मुहर लगी है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कारण वही जिसको लेकर हमने कुछ देर पहले ही डिस्कशन किया था कि जो विकास कार्य प्रदेश के अंदर रुक गए हैं, दिल्ली के अंदर रुक गए हैं, उसको कंटिन्यू करवाया जा सके, जिसकी बात गोपाल राय भी कहते नजर आए कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि विकास के कार्य जो है रुक गए थे जेल में होने के कारण, लेकिन सरकार जरूर चल रही थी। तो ऐसे ही अब आतिशी जो है, क्योंकि राय ये कहते नजर आए कि नवंबर महाराष्ट्र के साथ चुनाव हो, हम इसकी मांग करते हैं, लेकिन क्योंकि एक औपचारिक चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही चुनाव करवाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अब आम आदमी पार्टी की, तो आतिशी अब आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के पद पर जो है शाम को उनके नाम का प्रस्ताव जो है एलजी को दिया जाएगा, जब अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपने के लिए एलजी के पास जाएंगे, पहले अपना इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद जो नए मंत्री के चेहरे का वो उनके सामने रखा जाएगा और एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा जो इस प्रस्ताव को रखेगा। तो प्रणीत, जो जिसको लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचल थी कि आखिर आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन अगला मुख्यमंत्री होगा दिल्ली का, तो उस पर मोहर लग गई है, जिसके बाद एमएचवन कह रहा था कि महिला के चेहरे को लेकर जो है दाव खेला जा सकता है, और उसी क्योंकि पहले शीला दीक्षित दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री होती थी और अब दूसरी महिला मुख्यमंत्री हाल ही की अगर बात करें तो अब होगी आतिशी। हालांकि ये मुख्यमंत्री तब तक रहेंगे जब तक अगला चुनाव ना हो, यह बात भी क्लियर गोपाल राय की तरफ से कर दी गई है कि यह मुख्यमंत्री के पद पर आतिशी तभी तक रहेगी जब तक चुनाव ना हो। उसके बाद क्योंकि जनता के बीच में जाना है, जनता को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि तब तक मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उनको चुनके दोबारा से विधानसभा नहीं भेजती है, तो अब तब तक आतिशी मुख्यमंत्री के पद पर बनी रहेगी जब तक कि अगला चुनाव नहीं होगा और आम आदमी पार्टी को अगर दिल्ली की जनता चुनती है तो उसके बाद ही मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल दोबारा से शपथ लेते नजर आएंगे। अब क्योंकि विपक्षी पार्टी लगातार घेरने में लगी हुई थी, कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसका जिक्र भी करते गोपाल ने नजर आया कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से इस्तीफा नहीं दिया, एक
की गई बैठक के अंदर निर्णय लिया गया कि क्योंकि विकास कार्य रुक चुके हैं दिल्ली के, जिसको लेकर जनता पार्टी तमाम कोशिश कर रही थी, आरोप लगाए कि भारतीय जनता तमाम पार्टी तमाम कोशिश कर रही थी कि जो कार्य अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए हैं दिल्ली के अंदर उनको रोका जा सके, लेकिन अब क्योंकि आतिशी जो है औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगी तो जो कार्य हुए हैं उनको जो है आगे लेकर चलना है, उनको पूरा करना है, ये दायित्व जो है अब आतिशी का रहेगा। अब क्योंकि बैठक के लिए जब मंत्री और विधायक अंदर पहुंचते हैं तो संदीप पाठक जो महामंत्री है और राज्यसभा सांसद है उनकी तरफ से जो है उनका संबोधन शुरू होता है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल क्योंकि मुख्यमंत्री है फिलहाल तो उन्हीं की तरफ से प्रस्ताव रखा गया आतिशी के नाम का, तो उसके बाद सभी विधायकों ने खड़े होकर औपचारिक तौर पर अपनी एकजुटता दिखाई और आतिशी के नाम पर फाइनल मुहर लगी विधायक दल के अंदर। ये नाम हालांकि पहले फाइनल हो चुका था क्योंकि दो दिन से बैठकें जारी थी परसों ऐलान के बाद, क्योंकि रविवार को ऐलान किया गया था, कल मुख्यमंत्री आवास पर अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो है सुबह 11:30 बजे के करीब राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया की बैठक होती है, 1.25 से 1.5 घंटा के करीब जो है वो बैठक चलती है, उसके बाद बैठक के लिए वो बैठक होने के बाद वो रवाना हो जाते हैं और शाम को एक पीएसी की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर तमाम मेंबर और मंत्रीगण मौजूद रहते हैं जिसमें आतिशी भी मौजूद रहती है, तो कहीं ना कहीं उन सबसे भी जो है आतिशी के नाम पर जो है डिस्कशन हुआ था, वन टू वन जो है अरविंद केजरीवाल ने सबको बुलाकर आतिशी के नाम पर चर्चा की थी, उसके बाद फाइनल हो गया था उसकी जानकारी है। लेकिन आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आतिशी ने हमेशा से ही पार्टी का साथ दिया है, 2013 में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद से ही लगातार वो आगे बढ़ती चली गई, 8-10 मंत्रालय उनके पास थे, मनीष सिसोदिया जेल में गए, फिर अरविंद केजरीवाल जेल में गए, तब से वो आगे बढ़ती हुई आई और पार्टी का जो एक फेस है पावरफुल मंत्री के तौर पर आतिशी जानी जाती है, इसमें कोई दोहराए नहीं। लेकिन एक महिला चेहरा ही क्यों, आम आदमी पार्टी ने एक महिला चेहरा ही क्यों चुना है, और ऐसे में अब चुनाव भी नजदीक है, चाहे कम ही समय है, लेकिन आतिशी वो पद की जिम्मेदारी निभाएंगी कुछ ही महीनों में, लेकिन एक महिला फेस ही क्यों आम आदमी पार्टी ने चुना। पार्टी में और भी कई सीनियर लीडर्स थे और काफी बड़े चेहरे थे जिन्होंने पार्टी में और भी पुराना साथ दिया है, काम किया है, तो क्या स्ट्रेटेजी आम आदमी पार्टी की इसमें हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए महिला चेहरा ही क्यों, आतिशी सबसे विश्वसनीय है अरविंद केजरीवाल की। आपको याद होगा जब 15 अगस्त के समय अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे और एक मुख्यमंत्री होता है जो फ्लैग ऑफ करता है, फ्लैग झंडा फहराता है, लेकिन उनकी तरफ से आतिशी का नाम एलजी को भेजा गया था, हालांकि एलजी की तरफ से नकार दिया गया था नाम, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय भी विश्वसनीयता जो है वो अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के ऊपर जताई थी। अब बात कर लेते हैं महिला चेहरा क्यों, क्योंकि चुनाव नजदीक है, अगर अपने समय पर भी दिल्ली के अंदर चुनाव होते तो मात्र 4 महीने बचे हैं दिल्ली के अंदर चुनाव होने में, और महिला दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा महिला वोटर्स को साधने की आम आदमी पार्टी ने कोशिश करी है, सबसे ज्यादा वोटे बढ़ चढ़कर कोई करता है तो मिडिल क्लास करता है, और उस मिडिल क्लास के अंदर महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है, तो महिलाओं को साधने की कोशिश जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है कि महिला वोटर्स जो है पर करें और उनको वोट दे ताकि सरकार बनने में ज्यादा उनको आसानी हो। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास और भी चेहरे थे, जैसे कि आपने जिक्र किया गोपाल राय, उनके एक सीनियर नेता है, कैबिनेट में रैंक है, सौरभ भारद्वाज सीनियर नेता है, पुराने समय से जुड़े हुए हैं, कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, पुराने समय से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो साफ जो विश्वास है वो आतिशी के ऊपर जताया गया है। क्यों, क्योंकि एक महिला चेहरे को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया गया है, महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है, साफ छवि की नेता है और कैबिनेट के अंदर भी बड़े जो जो डिपार्टमेंट्स है वो आतिशी को दिए गए, शिक्षा मंत्री उनके पास है, पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है, तो ऐसे में बड़े विभाग जो है आतिशी को दिए गए हैं, तो एक विश्वसनीय जो है चेहरा अरविंद केजरीवाल की तरफ से रहा है आतिशी का, तो इसको लेकर ये सहमति बनाई है। और हमने देखा जब समय समय पर कोई भी बयानबाजी विपक्षी की पार्टियों की तरफ से की जाती थी तो आतिशी डटकर जो है उनको जवाब देती नजर आती थी, कई बार भावुक भी हुई है, जब लोकसभा चुनाव थे और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए थे तो उस समय भी अपने संबोधन के अंदर आतिशी काफी भावुक हो गई थी, तो काफी अविश्वसनीय अरविंद केजरीवाल के काफी करीब रही है और बड़े डिपार्टमेंट जो है आतिशी को अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए गए थे, तो ऐसे में विश्वास आतिशी के ऊपर जताया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ और उन दिल्ली की तमाम महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की है ताकि महिलाओं के
वोट जो है, यानी कि पार्टी ने कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं प्रोक्ष की पार्टी ने एक इमोशनल कार्ड जरूर खेला है आतिशी के नाम पर, क्योंकि एक महिला चेहरा है और प्रमुख दावेदार है। और दूसरा सवाल मेरा प्रोक्ष ये भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर जिस तरीके के संगीन आरोप लगे हैं, केस अब चलता रहेगा, ऐसे में अगर वो सीएम पद की दावेदारी भी रखते हैं या आगे सीएम पद की जिम्मेदारी भी निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वो दस्तखत नहीं कर सकते, जिस तरह की कोर्ट से जानकारियां सामने आई थी। तो ऐसे में क्या आतिशी की ये पारी लंबी भी हो सकती है? चुनावों के बाद भी अगर सीएम पद की दावेदारी पेश की जाए तो क्या आतिशी का नाम आगे आ सकता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो ये केस है वो लंबा चलने वाला है, तो अगर अरविंद केजरीवाल सीएम पद की रेस पर भी रहते हैं तब भी वो जिम्मेदारी जो है वो प्रमुख तौर पर नहीं निभा पाएंगे, तो क्या आतिशी लंबी पारी खेल सकती है आगे? जी बिल्कुल, देखिए एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है गोपाल राय की तरफ से कि जब तक अगला चुनाव नहीं होता आतिशी तब तक मुख्यमंत्री बनी रहेगी। अब आपका सवाल है कि अरविंद केजरीवाल का केस जो है कोर्ट के अंदर चल रहा है, अब क्योंकि कुछ शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, इसमें वो सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं थे, सिग्नेचर नहीं कर सकते थे फाइलों पे, और सचिवालय नहीं जा सकते थे, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, तो सिर्फ कुछ शर्तों के साथ जमानत जरूर दी गई थी। लेकिन क्योंकि केस अभी चल रहा है, ट्रायल शुरू होगा, तो उससे पहले कह पाना कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये जो शर्तें हैं ये आगे चालू रहेगी, ये बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर विचाराधीन अभी ये पूरा का पूरा मामला है। तो कोर्ट के मामले में क्योंकि आगे कुछ जमानत पर भार है, किस तरीके की आगे दलीलें रखी जाती है, ट्रायल के अंदर क्या क्या निकल कर आता है, ये सब आगे भविष्य के अंदर देखना रहेगा। लेकिन फिलहाल की अपडेट यही है, ताजा अपडेट यही है कि आतिशी जब तक अगले चुनाव नहीं होंगे तब तक मुख्यमंत्री के पद पर बनी रहेंगी।